दोस्तों बहुत दिनों बाद आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही शानदार प्ले को डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है वालपोने। इस प्ले को लिखा था बैन जॉनसन ने। दोस्तों जैकोबिन एज में इस प्ले को लिखा गया था, 1606 में इसको प्रोड्यूस किया गया था और 1607। दोस्तों बहुत दिनों बाद आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक कॉमेडी प्ले, बहुत ही अच्छा प्ले है दोस्तों ये। इसको लिखा था बैन जॉनसन ने। इस प्ले का नाम है वालपोने। दोस्तों वालपोने उस टाइम की, जब ये लिखा गया था जैकोबियन एज में लिखा गया था, उस टाइम की फाइनेस्ट कॉमेडी मानी जाती है, सबसे शानदार कॉमेडी। बैन जॉनसन ने बहुत ही कम टाइम में इस कॉमेडी को लिखा था। बहुत सारे की फैक्ट्स हैं इसके बारे में जानने के लिए। 1607 में इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था, इस प्ले को ग्लोब थिएटर के अंदर परफॉर्म किया गया था। और दूसरी चीज ये कि ये जो प्ले है, माना जाता है कि बैन जॉनसन ने अपने कंटेम्प्रेरीज पर सटायर करने के लिए इस प्ले को लिखा था। जैसे कि आप इस प्ले में देखोगे, जो नाम है इटालियन लैंग्वेज में, जो नाम है इटालियन लैंग्वेज में, उसका मतलब है कुछ बीस्ट के नाम, जैसे कि वालपोने, इस प्ले का नाम है वालपोने, और दूसरा नाम है फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले होने वाला है, काफ़ी दिनों बाद ऐसा प्ले हाथ लगा है, तो आज हम ढंग से इसको पढ़ेंगे। आप में से कई सारे व्यूअर्स कह रहे थे कि इस पर एक वीडियो होनी चाहिए, तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इटली में वेनिस नाम की सिटी से। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है वालपोने। वालपोने एक बूढ़ा आदमी है दोस्तों, जो वेनिस में रहता है, इस इटली में रहता है। बड़ा पैसे वाला आदमी है जिसके पास बहुत गोल्ड है, इतना गोल्ड है कि वो अपने गोल्ड की, सोने की पूजा करता है। पूरी सिटी में सब लोग ये बात जानते हैं कि इसका कोई बच्चा नहीं है और सिर्फ इसके पास एक सर्वेंट है मॉस्का, जिसके साथ में रहता है। और भी इसके सर्वेंट्स हैं लेकिन मॉस्का सबसे खास है। ये मॉस्का बड़े लंबे टाइम से वालपोने के साथ में रह रहा है। ये दोनों जने बेवकूफ़ बनाते हैं। किसे बेवकूफ़ बनाते हैं आगे बताऊंगा। वालपोने बहुत ही चालाक आदमी है। ये अपने बुढ़ापे का सहारा लेकर एक नाटक करता है कि ये इतना बीमार हो गया है, ये अफवाह फैलाता है कि ये इतना बीमार हो गया है कि ये मरने ही वाला है। तो ऐसा करके ये कई लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है ताकि लोग उससे मिलने आए और उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लाएं, सोना वगैरह लाएं। और इस चापलूसी के बदले उन लोगों को ऐसा लगता है कि वालपोने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी उन लोगों के नाम कर देगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी के भूखों में तीन जनों को ये बेवकूफ़ बना रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम है वाल्टोर का। वाल्टोर दोस्तों एक लॉयर है जिसको उम्मीद है कि वालपोने मरने से पहले ज़रूर अपनी प्रॉपर्टी मुझे देकर जाएगा। ये वालपोने की ज़बरदस्ती की तारीफ़ें करता है। आखिर लॉयर रह गया, बोलने में बहुत माहिर है, तो ये तारीफ़ें करता है वालपोने की। दूसरा आदमी है कॉर्बेशियो। कॉर्बेशियो प्रॉपर्टी के लिए ये भी वालपोने के आसपास घूमता रहता है, मंडराता रहता है। अब मज़े की बात ये सुनो कि ये कॉर्बेशियो वालपोन से भी उम्र में बहुत बूढ़ा है, बहुत बीमार है, मतलब मुँह में दांत नहीं है चाचा के, लेकिन प्रॉपर्टी चाहिए इनको भी। ये आदमी सुन तो ढंग से सकता नहीं है, लेकिन इसको जब जब खबर मिलती है कि वालपोने बीमार है, तो ये नाचता हुआ प्रॉपर्टी 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 करता हुआ यहाँ पे आ जाता है। ये आदमी सुन तो ढंग से सकता नहीं है, लेकिन इसको उम्मीद है कि मैं वालपोने से ज़्यादा जीऊँगा कम से कम, तो जब भी इसको खबर मिलती है ये यहाँ पे आ जाता है। और ऐसा लगता है, इसको ऐसा लगता है कि मेरे में फिर से जवानी आ गई हो। इसको परवाह करनी चाहिए अपने बेटे की। जी हाँ, इसका एक बेटा भी है जिसका नाम है बनेरियो। उसको प्रॉपर्टी देनी चाहिए, लेकिन उसकी भी इसको परवाह नहीं है, ये तो यहाँ पे और प्रॉपर्टी के लिए आता है। अब तीसरा आदमी है दोस्तों कॉर्विनो। कॉर्विनो जिसको वालपोने बेवकूफ़ बना रहा है, ये एक व्यापारी है, बहुत ही लालची आदमी है। इसकी एक वाइफ है सीलिया, उससे ये अच्छा बर्ताव नहीं करता, उसको बर्दाश्त नहीं है, इस कॉर्विनो को बर्दाश्त नहीं है कि इसकी वाइफ सीलिया किसी और आदमी से मिले, मतलब कोई और आदमी इसकी पत्नी पर आंख उठा के देखे सीलिया पर। अब मैंने तीनों आदमियों से आपको मिलवा दिया है, आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर है। वालपोने इन तीनों बंदों को बेवकूफ़ बना रहा है। वालपोने अपने नौकर मॉस्का के साथ मिलकर इन तीनों को बेवकूफ़ बना रहा है। अब दोस्तों इस मॉस्का को कम मत समझना, ये मॉस्का बहुत चालाक है, सारा काम यही करता है इस वालपोने का। ये मॉस्का इन तीनों बंदों को अलग अलग करके यकीन दिलवाता रहता है कि तुम ही वारिस बनोगे, कि तुम ही वारिस बनोगे, चिंता मत करो, मेरा मास्टर तुम्ही को अपनी प्रॉपर्टी देकर जाएगा, तुम चिंता मत करो। ये तीनों जने वालपोने के लिए गोल्ड्स गिफ्ट्स वगैरह लाते हैं इस उम्मीद में कि ये वालपोने को मस्का लगा सके। अब इसमें से ये जो कॉर्बेशियो है, ये एक गोली लाता है, बजाय गिफ्ट्स के ये गोली लाता है कि इस गोली से वालपोने ठीक हो जाएगा। खैर कुछ ना कुछ तो लाए हैं तीनों, ये कॉर्बेशियो गोली ही लाया है। खैर इसका एक बेटा है, मैंने आपको बताया इसका एक बेटा है,
तो ये दोनों जने, मालिक और नौकर, ये दोनों जने मिलकर सबसे पहले कॉर्बेशियो को बेवकूफ बनाते हैं। उसको कहते हैं, ये मॉस्का कहता है, ये मॉस्का कॉर्बेशियो को बोलता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी, ये ऑलरेडी बहुत रिच है कॉर्बेशियो, तो आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे मालिक के नाम कर दो, वॉल्पोने के नाम कर दो। और मेरे मालिक का क्या है, वो तो कुछ दिनों में वैसे ही मरने वाले हैं, तो तुम्हारे इस स्वभाव से खुश होकर कि तुमने अपनी प्रॉपर्टी मेरे मालिक के नाम कर दी, वो तुम्हारे इस स्वभाव से खुश होकर दोनों प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी और तुम्हारी प्रॉपर्टी, दोनों तुम्हारे नाम कर जाएंगे। थोड़ा सोचो, सोचो। तो कॉर्बेशियो को ये आइडिया अच्छा लगता है। अभी खैर इसने नाम की नहीं है प्रॉपर्टी, तो ये सोचकर यहाँ से चला जाता है। चलो इसको तो बेवकूफ बना दिया इन्होंने, हालांकि अभी प्रॉपर्टी नाम नहीं की है इसने, अभी करेगा आगे। अब ये दोनों जने, मालिक और नौकर, ये इन तीनों का मजाक भी बनाते हैं, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ इनका मजाक भी बनाते हैं। अब इस वॉल्पोने को पता चलता है कि ये कॉर्विनो जो है, इसकी एक ब्यूटीफुल वाइफ है सीलिया। तो इसका नौकर मॉस्का इसको बोलता है कि मालिक आप सोच तो सही रहे हो, वो इटली की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक है, लेकिन कॉर्विनो उसको लॉक करके रखता है, किसी गैर आदमी की नज़र तक नहीं पड़ने देता, वो घर के बाहर 10 बॉडीगार्ड रखता है हट्टे कट्टे। तो वॉल्पोने बिल्कुल दीवाना हो जाता है सीलिया का, वो सोचता है कि मैं सीलिया को पटाऊंगा। तो इसका नौकर ये मॉस्का पूछता है कैसे, तो वॉल्पोने बोलता है भेस बदल कर, हम लोगों को भेस बदल कर उसके घर में जाना पड़ेगा। तो ये अब अपना भेस बदलता है, एक माउंटबैंक बन जाता है। माउंटबैंक दोस्तों वो होता है हकीम टाइप का, जो बीमारियों को ठीक करने के लिए तेल वगैरह बेचते हैं, वैसा कुछ बन जाता है। और अपने दो असिस्टेंट, एक तो ये मॉस्का और इसका दूसरा असिस्टेंट है नानो, छोटा सा है ये, तो इन दोनों के साथ में जाता है अपना भेस बदल के एक माउंटबैंक बन के। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं इस कहानी को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ। इसी कहानी में एक छोटी सी कहानी और है। अब यहाँ पर दो बंदे हैं, सर पॉलिटिक वुड बी और एक ट्रैवलर है पैरेग्रिन, ये आपस में बात कर रहे थे जब ये तीनों अपना भेस बदल कर आए। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे जब ये तीनों अपना भेस बदल कर आए। इनका छोटा सा रोल है इस कहानी में, तो इन कैरेक्टर्स को याद रखना है इन दोनों को। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तीनों अपना भेस बदल कर पहुँचते हैं कॉर्विनो के घर के पास, खिड़की के पास, उसके घर की खिड़की के पास में। वॉल्पोने ने प्लान किया था कि वो सीलिया को पटाने की कोशिश करेगा, और वो करने लगा। वो पहुँच गया सीलिया के घर के पास में एक तेल बेचने वाला बनकर, और उससे अटेंशन लेने की कोशिश करने लगा। तो वो अपनी खिड़की के पास ही खड़ी थी सीलिया, तो उसने अपना रुमाल नीचे फेंका। अब कॉर्विनो ने अपनी वाइफ सीलिया को ये करते हुए देख लिया कि उसने अपना रुमाल नीचे फेंका एक माउंटबैंक के पास में। तो कॉर्विनो ने क्या किया, सबसे पहले तो उस भीड़ को खदेड़ा जो वहाँ पे इकट्ठा हुई थी नीचे, और अपनी वाइफ सीलिया को धमकी देने लगा कि तुमने रुमाल नीचे क्यों फेंका। ये अपनी वाइफ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखता है, पूरा कंट्रोल रखता है। इसने सीलिया को वायलेंट धमकी दी कि तुमको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी धमकी दी, जान से मारने तक की धमकी दी। और इसने अपने वाइफ को ज़्यादा बांधने की धमकी दी, इसने उसको चैस्टिटी बेल्ट पहनने को बोला, एक चैस्टिटी बेल्ट होती है कुछ इस टाइप की, वो पहनने को बोला, और कहा कि अब से तुम चर्च नहीं जाओगी, तुम्हारा बाहर आना जाना बंद, यहाँ तक कि तुम इस विंडो के पास में, खिड़की के पास भी खड़ी नहीं होगी, जो भी काम करना होगा तुम खिड़की से बाहर दूर रहकर करोगी। यहाँ दोस्तों वॉल्पोने तो एकदम पागल हो गया है, इसको जब से रुमाल मिला है इसका, सीलिया का, तो इसको अब बिल्कुल सीलिया के लिए एक लस्ट है। तो इसका सर्वेंट मॉस्का इससे वादा करता है कि मालिक मैं सीलिया को आपके पास लाकर रहूँगा। ऐसा कहकर ये मॉस्का जाता है कॉर्विनो के घर पे, और कॉर्विनो के घर जाकर ये उससे कहता है, कॉर्विनो से कहता है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरे मालिक वॉल्पोने को ठीक करने का एक तरीका है कि कोई यंग वुमेन को उनके पास में सुलाना पड़ेगा। ये मॉस्का ये सब कहकर इस कॉर्विनो को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपनी वाइफ का ये काम करने के लिए उसको तैयार करो, लेकिन वो डायरेक्टली ये बात नहीं कहता। वो कहता है कि मेरे मालिक तो वैसे ही ये सब करने के लिए ऐसे है नहीं, ऐसी कंडीशन में, मतलब वो किसी वुमेन के साथ में कुछ कर सकें। बस ऐसा होगा, ये मॉस्का कॉर्विनो को बोलता है कि बस ऐसा होगा कि अगर तुम अपनी वाइफ को भेज देते हो ये काम करने के लिए, तो मेरे मालिक वॉल्पोने खुश हो जाएंगे और तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे देंगे, कि तुमने मेरे मालिक वॉल्पोने की जान बचाने के लिए अपनी वाइफ तक के बारे में नहीं सोचा, वाइफ तक की कुर्बानी दे दी। तो कॉर्विनो सोचता है कि प्लान बुरा नहीं है,
जब वो कुछ कर ही नहीं सकता तो भेजने में क्या बुराई है सीलिया को। ठीक है, तो कुछ शर्तें रख के ये राजी हो जाता है मॉस्का के साथ में। मॉस्का को कह देता है कि ठीक है, मैं अपनी जो तुमने बोला है मैं सीलिया को तैयार करूँगा। अब दोस्तों मॉस्का को खुद पर बहुत घमंड हो रहा है कि मैं कितना चालाक हूँ, मैंने सब कुछ सेट कर दिया। अब ये सबसे पहले जाता है बनारियो के पास में। बनारियो कौन? कॉर्बेशियो का बेटा, जिसे कॉर्बेशियो अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करने ही वाला है। ठीक है, तो ये मॉस्का उसके पास में जाता है और उसको बोलता है कि तुम्हारा फादर तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकालने वाला है। ऐसा कहकर ये मॉस्का उसे अपने साथ में ले जाता है वॉल्पोने के घर और उसे एक जगह पर छुपा देता है कि यहाँ छुपकर देखो तुम्हारा फादर किस तरह से तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करेगा। ये मॉस्का इसलिए बोनेरियो को यहाँ लेकर आया है क्योंकि इसे लगता है कि ये बोनेरियो गुस्से में आकर अपने फादर कॉर्बेशियो को ही मार देगा। अब दोस्तों यहाँ पर लेडी वुडबी आती है। लेडी वुडबी कौन है? सर पॉलिटिक वुडबी की वाइफ। वो बड़ी बकवास करती है तो उसको भगाने के लिए ये मॉस्का क्या कहता है, लेडी वुडबी को बोलता है कि आपके हस्बैंड सर पॉलिटिक वुडबी को मैंने अभी किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ देखा है, यानी कि किसी वैश्या के साथ में देखा है। ऐसा कहकर ये उसे वहाँ से ले जाता है। अब दोस्तों इस मॉस्का को उम्मीद थी कि पहले इस बनेरियो का फादर कॉर्बेशियो आएगा, तो कॉर्बेशियो तो आता नहीं है, कॉर्विनो आ जाता है अपनी वाइफ सीलिया को लेकर। कॉर्विनो यहाँ आकर अपनी वाइफ सीलिया से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम इस वॉल्पोन के साथ सो सको। तो सीलिया मना कर देती है कि तुम कैसे हस्बैंड हो किसी दूसरे आदमी के साथ मुझे सोने के लिए बोल रहे हो। तो ये सीलिया को मना नहीं पाता, ये बहुत मनाने की कोशिश करता है लेकिन ये मना नहीं पाता। वॉल्पोन अभी भी बीमार सा पड़ा हुआ है बेड पे, वो नाटक कर रहा है अभी बीमारी का। तो कॉर्विनो सोचता है कि अगर मैं जब तक यहाँ तक यहाँ पे रहूँगा तो ये मानेगी नहीं, मैं इसको अकेले में यहाँ पर छोड़ जाता हूँ, शायद ये मान जाए। तो कॉर्विनो यहाँ से चला जाता है सीलिया को वॉल्पोन के पास अकेला छोड़कर। उसके जाने के बाद में वॉल्पोन को पता नहीं क्या होता है, ये कूद कर सीलिया के पास आया और उसे मनाने की कोशिश करने लगा कि तुम्हारे हस्बैंड के पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास इतना सोना है, मेरी हो जाओ ऐसा करके। लेकिन सीलिया नहीं मान रही थी। अब वॉल्पोने के पास में कोई और रास्ता नहीं रहा, इसने सीलिया का रेप करने की कोशिश की। लेकिन इसको पता नहीं था बोनेरियो अभी भी रूम में ही छुपा हुआ है, उसने सब कुछ देख लिया है कि ये बीमार है नहीं, तो वो भी कूद कर आया सीलिया को बचाने के लिए बाहर। अब इसका नौकर मॉस्का भी वहां आ गया कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अरे तू फंस गया, तेरा मालिक भी फंस गया। अब इन सीलिया और बोनेरियो को दोनों को, इन दोनों मालिक और नौकर की, मॉस्का और वॉल्पोने की हरकतें पता चल गई है। तो अब इन दोनों को, मॉस्का और वॉल्पोने को लगे डर। अब कोर्ट में केस चलता है रेप का। तो कोर्ट में वकील कौन है? वॉल्टोर। ये कॉर्विनो और कॉर्बेशियो और मॉस्का, ये चारों जने ये साबित करने में लग जाते हैं कि बोनेरियो और सीलिया झूठ बोल रहे हैं, कि इन दोनों ने प्लान बनाया है मिलकर, बोनेरियो और सीलिया ने, कि ये कॉर्बेशियो को मार दे, वॉल्पोने की मार्केट में जितनी इज्जत है वो ख़राब कर दे उस पर रेप का इल्ज़ाम डालकर। तो ये चारों जने मिलकर इन दोनों पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपके दिमाग कि यहाँ पर ये कॉर्बेशियो का तो बेटा है बोनेरियो, ये बेटे को क्यों फंसा रहा है? क्योंकि इसको इस मॉस्का ने यकीन दिलाया है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें ही मारने की साजिश कर रहा था, तो इसलिए ये अपने बेटे को फंसा रहा है। यहाँ कॉर्विनो, ये अपनी वाइफ सीलिया को क्यों फंसा रहा है? क्योंकि इस मॉस्का ने इसको भी यकीन दिलाया है कि तुम्हें सीलिया को फंसाना ही पड़ेगा, अगर इसको नहीं फंसाया तो मेरे मालिक वॉल्पोने को सजा हो जाएगी, कोर्ट उसे सजा सुना देगी वॉल्पोने को, और उसकी सारी जो प्रॉपर्टी है वो सरकार जब्त कर लेगी। तो इसको भी यकीन दिलवा दिया, ये भी अपनी वाइफ के खिलाफ हो गया। जहाँ तक बात है वॉल्टोर की, तो वो तो वकील है, वो सोचता है कि अगर मैं इसको वॉल्पोने को बचा लूँगा तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगा। तो तीनों को बेवकूफ़ बना रहा है अभी भी मॉस्का। अब ऐसे में ये सर पॉलिटिक वुडबी और पेरेग्रिन, ये दोनों भी कोर्ट में मौजूद है। तो यहाँ पर लेडी वुडबी आती है। इस लेडी वुडबी को पता नहीं कैसे लगता है कि ये पेरेग्रिन जो है, ये पेरेग्रिन आदमी के भेष में एक औरत है, और ये पेरेग्रिन ही वो प्रोस्टिट्यूट है जिसने सर पॉलिटिक वुडबी, इसके हस्बैंड को फंसाया है। तो मॉस्का को यहाँ भी एक मौका मिलता है, ये लेडी वुडबी से जाके बोलता है कि ये तो आदमी ही है, दरअसल वो प्रोस्टिट्यूट कोई और है जो तुम्हारे हस्बैंड, जिसने तुम्हारे हस्बैंड को फंसाया है। तो लेडी वुड भी मान जाती है। अब मॉस्का को यहाँ पर एक और
मिल गया कि सीलिया को और ज़्यादा बदनाम करने के लिए ये लेडी वुडबी का यूज़ करे और लेडी वुडबी को कहे कि तुम गवाही दो कि इसने तुम्हारे हस्बैंड को भी फंसाया है सीलिया ने। तो कुल मिलाकर बनारियो और सीलिया दोनों फंस गए। अब ऐसे में यहाँ पर दोस्तों कोर्ट में वॉल्पोने मौजूद नहीं है, वॉल्पोने कोर्ट में मौजूद नहीं है, तो ऐसे में वॉल्पोने को बुलवाया जाता है। ये मॉस्का बोलता है कि मेरे मालिक की तबीयत ठीक नहीं है, वो कोर्ट में नहीं आ सकते। तो बनारियो बोलता है कि वो एकदम ठीक है, उसको कोर्ट में बुलवाया जाए। तो फोर्सफुली वॉल्पोने को कोर्ट में बुलवाया जाता है। फिर भी जब वॉल्पोने को कोर्ट में बुलवाया गया तो इन सब ने मिलकर ये साबित कर ही दिया कि एक बूढ़े बीमार आदमी को क्या पड़ी है कि वो किसी का रेप करेगा, वो ऑलरेडी अपनी बीमारी से इतना परेशान है, वो क्या किसी का रेप करेगा। तो कोर्ट ने वॉल्पोने को एक बार के लिए बरी कर दिया, छोड़ दिया और कहा कि अभी हम अपना फैसला नहीं देंगे। वॉल्पोने को फ्री कर दिया गया जबकि बनारियो और सीलिया को गिल्टी पाया गया, लेकिन कोर्ट ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। फ्री होने के बाद अब वॉल्पोने एक और चाल खेलता है, उसका मन अभी तक नहीं भरा। तो वो कहता है अपने सर्वेंट मॉस्का को कि अभी तक तो मैं बीमारी का बहाना कर रहा था, अब मैं मरने का बहाना करूंगा ताकि इन तीनों को और ज़्यादा टॉर्चर किया जा सके। ये मॉस्का से बोलता है कि तुम ये अफवाह फैलाओ कि मैं मर गया, और मरने से पहले मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का वारिस बना कर गया हूँ। तुम जो मेरे नौकर हो, तुमको मैं अपनी प्रॉपर्टी का वारिस बना कर गया हूँ। और वॉल्पोने छुप जाता है। अब ये अफवाह सुनने के बाद ये तीनों यहाँ पर आते हैं वॉल्पोने के घर में। जैसे यहाँ पर आते हैं तो अफवाह सच साबित होती है, वॉल्पोने ने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी अपने नौकर मॉस्का को दे दी है। इन तीनों को आता है गुस्सा, ये मॉस्का से पूछते हैं कि तुम तो हमें अपनी अपने मालिक की प्रॉपर्टी का वो बनवाने जा रहे थे, तुम कैसे बन गए। अब इसके हाव भाव ही चेंज, ये मॉस्का सीधे मुँह बात ही नहीं करता इन तीनों से। अब ऐसे में वॉल्पोने अपना भेस बदल कर एक ऑफिसर बन के यहाँ पर आता है और इन तीनों को आकर बधाइयाँ देता है कि मुबारक हो, वॉल्पोने मर गया और तुम तीनों को उसकी प्रॉपर्टी मिली गई होगी। अब इन तीनों को और गुस्सा आता है। अब दोस्तों ऐसे में इस मॉस्का के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर ये नाटक कंटिन्यू रहे कि वॉल्पोने तो मर चुका है और मैं उसकी प्रॉपर्टी का सच में अब मालिक बन चुका हूँ तो कैसा हो। वॉल्पोने उसका मालिक तो दुनिया की नज़रों में मर चुका है, यानी ये अपने मालिक को अब धोखा देने की सोच रहा है। अब शाम को कोर्ट में फैसला होने वाला था, अब ये अपने सीक्रेटली इस प्लान को कंटिन्यू करता है, अपने मालिक वॉल्पोने की मौत के बारे में सबको बताता है। अब ऐसे में वॉल्पोने ने अभी भी अपना भेस बदल रखा है, वो कोर्ट में अभी भी मौजूद है। वॉल्पोने को बुरा लग रहा है कि मॉस्का ने ही मेरी सारी प्रॉपर्टी सच में हड़प ली। तो ऐसे में ये सोचता है कि मैं सारी प्रॉपर्टी ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, मैं फंसूंगा तो इसको भी फंसाऊंगा। तो ऐसे में ये अपना भेस सबके सामने खोल देता है कि मैंने भेस बदल रखा था, मैंने ऐसा ऐसा प्लान किया, मैंने ये सारा नाटक मेरा ही था, मैंने ही मॉस्का को ये सब करने के लिए बोला था। तो कोर्ट पूरा नाटक समझ जाती है, मॉस्का को जिंदगी भर की जेल की सजा सुना देती है, उसको कोड़े भी लगाए जाते हैं, जबकि ये वॉल्टोर जो था लॉयर, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और इसको देश से बाहर निकाल दिया जाता है कि अब ये कहीं पे भी लॉयर का काम नहीं कर सकेगा। कॉर्बेशियो को कोर्ट ये सजा सुनाती है कि अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे बनारियो के नाम करो और तुम्हारी उम्र हो गई है, खुद को भजन कीर्तन में लगा दो। कॉर्विनो को कोर्ट ये सजा सुनाती है कि तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दो सीलिया को, और पब्लिकली इन सबको ह्यूमिलेट किया जाता है। बात की जाए मेन कैरेक्टर वॉल्पोने की, तो वॉल्पोने इनमें सबसे बड़ा और शातिर था, तो इसको सजा मिलती है इसी के लेवल की डेथ सेंटेंस। और दोस्तों इसी के साथ ये प्ले खत्म होता है।